अच्छा डिसेंट स्कोर रहा। आई गॉट 40 आउट ऑफ 50 एंड आई गॉट CPO भी मेरा टीयर फर्स्ट में बहुत एक डिसेंट स्कोर बन रहा है, तो मेरा वो भी क्लियर होगा। और ऑल थैंक्स, तो माय नेम इज़ गौरव चौहान एंड आई एम फ्रॉम फरीदाबाद हरियाणा, और मैं इस बार का अग्निवीर वायु का सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ फ्रॉम अदर देन साइंस, और वी कैन ऑल्सो से कि वाई ग्रुप जो पहले वो हुआ करता था। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने जो अपने बेसिक्स थे A to Z स्टडी से ही क्लियर किए, और मैंने अपनी जो तैयारी थी वो स्टार्ट की थी मैंने 2020 से, मार्च से अच्छे से तैयारी की थी। मैंने अटेम्प्ट भी पहले दिए थे लेकिन तब तक मेरे को गाइडेंस अच्छे से नहीं मिलती थी और कैसे पढ़ना है। मैं यूं ही बस कोई भी यूट्यूब चैनल सर्च कर लिया और पढ़ लिया, लेकिन जब A to Z स्टडी से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो वाकई में मेरी बहुत हेल्प हुई। धीरज भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाते हैं। मेनली चीज़ ये कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ें चीज़। तो मेरी स्ट्रेटजी यही रहती थी कि भाई जो इंग्लिश मैथ्स एंड रीजनिंग, तो भाई हमको ये पता है कि भाई ये लिमिटेड होता है, हम इसको इसकी तैयारी कर सकते हैं, हम इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं यही सोचता था कि भाई इसमें मेरे मार्क्स ना कटें। जो रागा के अंदर जो 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं GK के, वो अनसर्टेन होते हैं, हमको नहीं पता वो कहाँ से आने, लेकिन हमको इन तीनों को पता है कि भाई ये किधर से आने हैं और कि हम इसकी तैयारी करें तो हमारे इसमें मार्क्स ना कटे। तो मेरी यही स्ट्रेटेजी रहती थी कि भाई हम इसमें मार्क्स ना कटे, जो 25 से 24 क्वेश्चन हैं जो रागा के अंदर जो बच जाते हैं GK को हटा के, उसमें मार्क्स तुम्हारे नहीं कटे। अगर तुम उन 25 या 24 में से अगर तुम 18 या 19 भी ले आते हो, तो एज़ पर माई ओपिनियन कि भाई जैसे मैंने अटेम्प्ट दिए हैं, तो तुम्हारा मतलब कुल मिला के 36 या 37 तुम्हारा एक अच्छा डिसेंट स्कोर हो जाता है वाई ग्रुप के अंदर। तो बस मेरा इस बार एक अच्छा डिसेंट स्कोर रहा। आई गॉट 40 आउट ऑफ 50 एंड आई गॉट 20 आउट ऑफ 20 इन इंग्लिश एंड 20 आउट ऑफ 30 इन रागा सेक्शन। तो मेरा काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट रहा। मैंने मेरा लास्ट वाला भी अटैम्प्ट बहुत अच्छा रहा था, बट वो कैंसिल कर दिया गया था। तो अफसोस तो बहुत हुआ था, बट बोलते हैं ना कि भाई कि एक दिन में कुछ नहीं होता बट एक दिन ज़रूर होता है। तो बस तुम मेहनत करते रहो, अच्छे से तैयारी करो, कंटिन्यूटी रखो। और पहले धीरज भैया सजेस्ट करते थे परीक्षा ऐप जो प्लेटफॉर्म था, उसके मार्क्स बहुत अच्छे होते थे, लेकिन अब एक धीरज भैया ने खुद का ही सेटअप कर लिया, तो वो पढ़ाएंगे बहुत जेन्युइन पढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं लोग एक बार में देख के बस जज कर लेते हैं हाँ भाई कि भाई इसके सब्सक्राइबर्स नहीं है या फिर इस वजह से भाई ये नहीं होगा अच्छा। भाई उस चीज़ से जज नहीं करना चाहिए, भाई क्वालिटी देखो, क्वालिटी। और वो भी उन एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, बता चुके हैं। और मैं भी एक एग्जाम्पल हूँ आपके सामने कि जब तुम लगातार किसी बंदे पे फोकस कर मतलब है मतलब तुम मेहनत करते हो किसी बंदे की देख के, क्योंकि वो भाई जो बंदा पढ़ा रहा है वो भी मेहनत कर रहा है हमारे ऊपर बच्चों के ऊपर, तो हमको अच्छे से लगन से जो पढ़ा रहा है उसको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लगातार मेहनत करनी चाहिए, लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए। और बच्चे सोचते हैं ऐसा कि भाई कि हम एक दिन में 5 6 मॉक दे लें हमारा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, हम अच्छे। तुम दिन में एक मॉक दो लेकिन उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करो कि भाई मेरे मार्क्स इंग्लिश में कट रहे हैं किस सेक्शन में, एंटोनिम्स में कट रहे हैं, सिनोनिम्स में, वोकैब में कट रहे हैं। तो देखो तुम तुम्हारे मार्क्स किस में कट रहे हैं, अगर तुम्हारे मैथ्स में कट रहे हैं, सेम टाइम के क्वेश्चन में कट रहे हैं, टाइम एंड वर्क में कट रहे हैं, किस में भी कट रहे हैं, तो तुम देखो कि भाई तुम्हारा ये टॉपिक कमज़ोर है, तुम उस पर वर्क करो एंड देन मॉक दो। चाहे 2 3 दिन छोड़ के दो, भाई 1 महीना रह गया है नेक्स्ट इनटेक का, तो तुम यही करो, तुम मॉक दो उसको एनालिसिस करो, चाहे दिन में एक मॉक दो, 2 मॉक दो, उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करो कि तुम्हारे मार्क्स किस में कट रहे हैं, नहीं तो वो लगातार वो इम्प्रूव होगा ही नहीं। और एग्ज़ाम में अगर वही आ गया तो तुम नहीं कर पाओगे, तो उसी चीज़ पे तुम वर्क करो कि तुम्हारे मार्क्स कट किस चीज़ में रहे, एनालिसिस करो एंड देन तुम करो। ये नहीं कि दिन के तुमने 5 6 मॉक लगा दिए तो भाई बस तुम्हारा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, नहीं होगा ऐसे। मेहनत करो, डेली वर्क करो, जितनी भी आप तुम्हारी मिस्टेक्स हैं या तुम्हारे जो क्या कहते हैं वीकर पॉइंट्स हैं उन पर फोकस फोकस करो, अच्छे से करो। और मेरी ज्वाइनिंग बहुत ही जल्दी है और ये एक एग्जाम्पल है कि हाँ भाई। और मैंने कोचिंग नहीं ली कभी, मैंने सेल्फ स्टडी ही करी, मैं यूट्यूब से ही पढ़ा A to Z स्टडी से। मैंने अपने बेसिक्स क्लियर किए थे रीजनिंग मैथ्स, और अभी क्या कहते हैं मैंने CPO भी मेरा टीयर फर्स्ट में बहुत एक डिसेंट स्कोर बन रहा है, तो मेरा वो भी क्लियर होगा। और ऑल थैंक्स टू A to Z स्टडी स्टडी एंड धीरज भैया, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए इनसे और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, घबराइए मत, आराम से एग्ज़ाम में बैठ के कॉन्फिडेंस होकर जाइए, अगर आप पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस आपको खुद आएगा। तो बस बस इतना ही था मेरा छोटा सा रिव्यू, एंड थैंक यू ऑल एंड थैंक यू धीरज भैया।